हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ना ही व्लॉग है ना ही मिनी व्लॉग है। आज का वीडियो टोटली बेस्ड है हमारे दून यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे। तो गाइज़, मुझे प्रीवियस कुछ महीनों से DM आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं कि दी दून यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन कैसे होता है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि मैं इस पूरे टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देती हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम आपको ये सब चीज़ों में ना लगे ढूंढने में, रिसर्च करने में, या फिर कमेंट करने में, DM करने में। तो मैंने सोचा मैं इस पूरे टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारे आंसर्स दे सकूँ सारे क्वेश्चंस का। तो लेट्स गो। जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेरी थी, मैंने सब इस नोटबुक पे जो है नोट डाउन कर लिया है, तो मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे दून यूनिवर्सिटी की। तो दून यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, एंड ये ज़्यादा फेमस है लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। अपने यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज हैं, आपको हर लैंग्वेज के यहाँ पे कोर्स मिलेंगे। उसके बाद बात की जाए तो जितने भी कोर्सेज हैं उनके जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। यहाँ पे आपको दोनों तरफ स्क्रीन पे आ रहे होंगे नज़र, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में कितने टाइप के कोर्सेज हैं। एंड जो ये कोर्सेज हैं वो सबके लिए हैं, UG, PG एंड PhD वालों के। गाइज, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि दी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है? तो जी हाँ, आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको दून यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। एंड वो कब मिलेगा? वो मिलेगा आपको मई एंड जून में, ठीक है। ये दो महीने आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं एंड पढ़ाई करनी पड़ती है, एंड आपको उसमें क्या पढ़ना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आएगा, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो गाइज देखो, आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं एंड सब कुछ आपको दून यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो आपको कोर्स करना है उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज जितना भी है, देखो क्योंकि ना अब जैसे मैं मास मीडिया कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो इससे रिलेटेड मुझे आप चीज़ें पूछोगे तो मैं आपको बता पाऊँगी ना। लेकिन अगर आप कोई भी पूछ रहे हो जैसे BBA या फिर लैंग्वेज के कोर्स के लिए, तो उसके बारे में आपको दे सकती हूँ मैं डिटेल थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है। तो अगर मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड मैं गाइज आपको डिस्क्रिप्शन जो होता है वहाँ पर ना ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी हमारा आपका सिलेबस होगा वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको देना है। उसके बाद हमारा आता है जुलाई के एंडिंग तक, या जुलाई के एंडिंग से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उस रिजल्ट में आपको लिस्ट निकलती है, ठीक है, तीन लिस्ट निकलती हैं या दो लिस्ट निकलती हैं, तो उस पर आपको अपना नाम देखना है। अगर आपका नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद हमारे अगस्त से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एंड गाइज, अगर हम बात करें हॉस्टल के बारे में, तो जो हॉस्टल है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। तो अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आपको एडमिशन के बाद मिलेगा। उसके बाद जो है, अगर आप उत्तराखंड के नहीं हो, बाहर के हो या फिर दूर के हो, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, आपको जल्दी से जल्दी रूम मिलेगा, मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हैं रूम के, ठीक है, हॉस्टल पे। उसके बाद अगर हम बात करें फूड की, तो आपको यहाँ पे फूड चार टाइम का मिलता है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, उसके बाद शाम के इवनिंग के स्नैक्स एंड रात का डिनर। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो रिस्ट्रिक्शन गाइस इतना नहीं है जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है, एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। थोड़े मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स भी हैं, एंड अगर कोई लिमिटेशन वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा सीन नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बहुत लाइक आपको अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको बाहर जाना होता है कहीं पर भी, तो आप वो कराना होता है जहाँ पे गेट होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपको बस साइनमेंट करवाने होते हैं, या फिर वहाँ पे मतलब इन्फॉर्म करके जाना पड़ता है। तो वो अगर आप हॉस्टल में आओगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें आसानी से पता चल जाएंगी। बात करते हैं बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो आपको बहुत यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। एंड कैंटीन की बात करें तो हमारे कॉलेज में एक कैंटीन है, एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो फूड वहाँ का ओके है, क्योंकि हम भी जाते रहते हैं, तो ठीक है, आपको पैकेट फूड वगैरह सब मिलेंगे। एंड एक टपरी भी है जो मैंने शायद उसमें कवर नहीं करी है, जो टूर देने वाली हूँ मैं कॉलेज का,
वहाँ पे एक टपरी है, तो मैं अभी बता देती हूँ, हरी भाई की टपरी नाम से वो फेमस है वो जगह। एंड वहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा एंड अपने दोस्तों के साथ आप चिल कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन आया था कि अगर जिनको हॉस्टल में नहीं रहना तो उनके लिए आसपास क्या है, मतलब पीजी अवेलेबल एंड रूम्स अवेलेबल। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करा था एंड मेरा लिस्ट पे नेम आ गया था, बट मैं फिर भी रहने नहीं गई। एंड यहाँ पे पीजी वगैरह तो है ही, एंड बच्चों के रहने के लिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे रूम रेंट पे रहती हूँ, तो ऐसे ही लोगों ने अपने घर के मतलब रूम्स दे देते हैं लोग रेंट पे रहने के लिए, जैसे जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको, क्योंकि उनको भी अपने घर पे ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं पढ़ने वाले, क्योंकि ताकि उनके घर में भी शांति बने रहे एंड बच्चों को भी ऐसा माहौल मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो या आपको ईजिली मिल जाएंगे यहाँ पे आसपास अगर आप ढूंढोगे थोड़ा सा, तो आपको रूम्स वगैरह एंड पीजी वगैरह सब मिल जाएगा। जैसे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छा मॉल ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको दून यूनिवर्सिटी से अच्छा मॉल कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत शांति है, बहुत ही बेस्ट जगह है। आपको इन्वायरमेंट के साथ अगर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप रह सकते हैं। एंड अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ कॉलेज के साथ साथ, तो आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ बच्चे जो बहुत ही पढ़ाकू पढ़ाकू बच्चे हैं हमारे कॉलेजेस के, तो वो भी आते हैं, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी के, वो भी वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। आपको बहुत ही शांति वाला माहौल मिलने वाला है। तो आई गेस मैंने सारे वीडियो में जो है टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी तो आप मुझे बेझिझक कॉमेंट कर सकते हैं एंड जितना मुझे हो सके मैं आपका रिप्लाई दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट सभी को जो जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, एंड या बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।